हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लाइफ। आज के वीडियो में हम लोकल लक्ष्मी बोरवेल सबमर्सिबल पंप पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये है बोरवेल का सबमर्सिबल पंप। ये लोकल पंप है, इस पंप का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। तो पहले इस पंप को हम असेंबली करके लेंगे। इस पंप में पानी भरेंगे फुल और मोटर के ऊपर पंप फिट करके बोर के अंदर छोड़ देंगे। तो ये जो पंप है, पंप को हमने HDPE निप्पल टाइट कर दिया है। 1 इंच का इसका HDPE पाइप है। मोटर के ऊपर 2 स्क्रू रहते हैं, उसको निकाल के एक साइड से उसके अंदर पानी भरना पड़ता है। पानी भरना बहुत ही जरूरी रहता है, पानी नहीं भरा तो मोटर चलेगी ही नहीं, वो जाम हो जाती है। मोटर के अंदर बुशिंग और बेरिंग रहते हैं, उसके लिए ये लुब्रिकेशन का काम ये पानी करता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोटर के अंदर। मोटर के अंदर क्लीन पानी भरना पड़ता है। पानी खराब रहा मोटर के बुश और बेरिंग को खराब कर सकता है और मोटर जल्दी खराब हो सकती है। अभी पानी भर के हो चुका है, तो अभी ये मोटर के ऊपर ये पंप हम फिट करेंगे। उसके अंदर चावी का एक स्लॉट रहता है, वो चावी और ये स्लॉट मैच होना चाहिए, तभी ये असेंबली परफेक्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से फिट कर देने का। और उसके ऊपर जो दो इसके ऊपर 4 नट है, और उसे क्रॉस टाइट करके असेंबली को टाइट करने का। ये स्टेनलेस स्टील की जाली लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की जाली नहीं रहेगी तो पानी में से रेती अंदर जाके पंप जाम हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जाली लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये जाली पंप के साथ ही मिलती है। असेंबली होने के बाद ये पंप ऐसा दिखता है। अब हमें इस पंप को पाइप कनेक्ट करना है। पाइप कनेक्ट करने के लिए अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के लिए हमने गैस का उपयोग किया है। इस कंपनी में गैस की सुविधा थी, इसलिए हम गैस पर ही इसे गर्म करेंगे। पाइप गर्म हो गया है। अभी इस तरह से इस पाइप को हम HDPE निप्पल में फिट कर देंगे, और इसे अब हम इसके ऊपर क्लिप भी टाइट करके लेंगे ताकि जॉइंट ये पक्का हो जाए। कभी कभी ये जॉइंट निकलने का चांस रहता है मोटर के प्रेशर से, तो उसे अच्छी तरह से फिट करना पड़ता है। अब हम इस पाइप को क्लिप से फुल टाइट करेंगे। अब हम टेप से पंप के साथ उसको लपेट देंगे, वो क्योंकि इससे क्या होता है, टेप लगाने से केबल अच्छी तरह से टाइट हो जाती है और प्रॉब्लम नहीं आएगी केबल को। इस तरह से पाइप के साथ भी हम केबल को टाइट करेंगे। अभी उसके बाद हम मोटर के ऊपर जो HDPE निप्पल लगाया था उसको हम रोप से टाइट करेंगे। रोप से हम मोटर को बोरवेल में छोड़ देंगे। ये बोरवेल 200 फुट है, तो हमने 200 फुट का ये जो पाइप है लिया था। इस तरह से धीरे धीरे मोटर को बोर के अंदर छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, मैंने मोटर ऑन किया है। मैं आपको पानी का प्रेशर दिखाना चाहता था, लेकिन कंपनी ने वाटर टैंक के पास जाने के लिए परमिशन दी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।